Hey guys, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम सदामा। सो आज मैं आपको स्टूडियो में बताने वाला हूं कि Google Meet अपडेट होने के बाद अगर आप देख रहे होंगे मैंने मीटिंग ज्वाइन कर रखा है तो आपको छोटे छोटा विंडो दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपका कैमरा जब ऑन होता है या आपके जो स्टूडेंट या होस्ट का जो कैमरा ऑन होता है तो आपको एकदम छोटा छोटा दिखता है। ठीक है, जो वीडियो है आप चाहते हैं कि इसको फुल स्क्रीन करना कि जब कोई बोले तो उसका स्क्रीन फुल हो जाए तो कैसे करेंगे, तो आपको इस वीडियो बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए सामने वाला टीचर आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो आपको इतने छोटे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इस स्क्रीन को बड़ा कैसे करेंगे वो बताने वाला हूं। और दूसरा ये कि जब आप अपना स्क्रीन शेयर करते हैं तो उसमें आप अपना फुल स्क्रीन कैसे करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जो दिख रहा है आप इसे जरूर प्रेस करिए जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। और अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने YouTube पे देखा काफ़ी सारा वीडियोस था जिसपे आपको फुल स्क्रीन करने का बताया जा रहा था, लेकिन उसमें किसी में आपको करके नहीं दिखाया गया था। तो मैंने अपने 5 फोन से, ठीक है, 5 फोन से अपने ज्वाइन कर रखा है मीटिंग, और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, आप लाइव समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, मैंने 5 फोन से यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है मीटिंग, और मान लीजिए ये अगर अपना कैमरा ऑन करते हैं तो इनका हमें फुल स्क्रीन कैसे दिखेगा। सो गाइज, आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कैमरा ऑन हुआ, मान लीजिए अगर व्हाइट बोर्ड पे अगर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतना छोटा स्क्रीन दिखाई देगा। अब हम इसे फुल स्क्रीन करने का मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखेंगे तो आपको पिन करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। पिन करेंगे तो आपका स्क्रीन अभी थोड़ा बड़ा हुआ है, अभी और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना जो स्क्रीन रोटेशन है उसे ऑफ कर देना है। ठीक है, और अपने स्क्रीन को जो है रोटेट कर लेना है। अब आप जैसे स्क्रीन रोटेट करेंगे तो अब देख पा रहे होंगे कि आपका जो स्क्रीन है पहले से बड़ा हो गया है, यानी कि अगर आप अब देखना चाहेंगे, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं या किसी को देखना चाहते हैं तो आपका जो स्क्रीन फुल हो चुका है। ठीक है, पहले इतना बड़ा नहीं हो रहा है, यानी कि फुल स्क्रीन पहले जितना होता था उतना अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इतना हो रहा है। अब मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दी कैमरे वाला। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका स्क्रीन जो है फुल कैसे किया जा सकता है, तो चलिए बताता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे शुभम ने प्रेजेंट किया स्क्रीन को, ठीक है, यानी कि दूसरा जो एक बंदा उसने मीटिंग को प्रेजेंट किया। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मीटिंग छोटा सा दिख रहा होगा, हाफ स्क्रीन में दिख रहा है। आप चाहते हैं इसको फुल करना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। लेकिन जो कैमरे वाला सीन था, यानी कि कैमरे में आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिल रहा था, तो कैमरे वाले का भी मैंने बता दिया। और आपका स्क्रीन जो प्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पे भी आप अपना जो स्क्रीन फुल कर सकते हैं। जैसे फुल करते हैं तो आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ ब्लैक हो गया, यहाँ ब्लैक हो गया, ऊपर से छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपना फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने वीडियो बनाया वो सही था या नहीं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।